एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो शुरू करते हैं, देखेंगे सबसे पहले हम करंट एनर्जीज आपकी पार्टनर की। सो करंट एनर्जीज मैं इस डेक से देखूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि आपको लेकर क्या चल रहा है, वो हम इस डेक से चेक करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं, पहले हम देखेंगे करंट एनर्जीज क्या चल रहा है और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है न्यू मून और सोलर एक्लिप्स और सैटर्न ट्रांजिट का आपके पार्टनर्स की एनर्जी पर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। करंट एनर्जीज आपके पार्टनर्स की, मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज हैं। पहला कार्ड है टू ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द हाई प्रीस्टेस। करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। देन वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। साइन बता देती हूँ, साइन यहाँ एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं 7 कार्ड्स में से, एरीज लियो सेजिटेरियस फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। फिर हमारे पास है कैप्रिकॉन वर्गो टॉरस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। आपका आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत समय से किसी ऐसे सिचुएशन में उलझे हुए हैं या उलझी हुई हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बर्डन, अपना जो भी जॉब है इनका, चाहे अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारियाँ, उन सब को सोचते हुए, आपका इंतज़ार करते हुए इन्होंने काफ़ी समय बिता दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ जिम्मेदारियां हैं या तो कुछ डिफरेंसेस हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उन सभी जिम्मेदारियों को साइड में करके या उसे क्लिंज कर ये एक्शन लेने की तैयारी में है। पूरी तरह से एक्शन यहाँ पर होगा, इन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बना ली है, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या करना है, कैसे आपसे बात करनी है, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, कैसे अपने पेरेंट्स को या जो भी थर्ड पार्टी है उसको कैसे अपने लाइफ में क्या एक्शन लेने वाले हैं उसके बारे में कन्विंस करना है। ये सब चीज़ें ये सोच विचार कर अपने आप में रखे हुए हैं, लेकिन हिडन रखा है इन्होंने। हिडन इसलिए रखा है क्योंकि ये अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती। मैसेज का कार्ड है तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर्स का मैसेज आपको डेफिनेटली रिसीव हो सकता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम एक साल से वेट कर रहे हैं, कमेंट में ही हम एक साल से वेट कर रहे हैं, हम रीडिंग्स देख रहे हैं लेकिन हमें मैसेजेस रिसीव नहीं हुए हैं। जो भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी समय से वेट किया है और वो मैसेजेस उन्हें रिसीव नहीं हुए हैं, मुझे एक दो कमेंट दिखते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 600-700 कमेंट हैं तो उनमें से एक या दो कमेंट ऐसे होते हैं, तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप एक बार पर्सनल रीडिंग ज़रूर लें अपने फेवरेट टैरो रीडर से, जो भी आपका फेवरेट टैरो रीडर हो, जिस पर भी आपको भरोसा हो, उससे एक बार पर्सनल रीडिंग लें। क्योंकि ये भी पता होना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं वो आपके लिए क्या सोचता है या सोचती है, क्या वो आपसे ट्रू लव करता है या नहीं, क्या वो आपकी तरफ आना भी चाहता है या नहीं, और क्या वो आपका कार्मिक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जान जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और फिर आपके लिए इजी होगा उस पर्सन को या उस सिचुएशन को रिलीज़ करके अपने लाइफ में आगे बढ़ना। सो ये मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि अगर किसी को देखिए मैक्सिमम लोगों को रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको रिस्पॉन्स मिल चुका है, मिलता है, भले उसके बाद फिर ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आ जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रीडिंग तो बहुत प्यार से देखते हैं, उन्हें विश्वास भी है, उन्हें सुकून भी मिलता है, हीलिंग होती है उनकी, उनको एक सहारा मिलता है, लेकिन अगर उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो कभी ना कभी वो ये चीज़ें लिखते ज़रूर हैं
कि मैम हम रीडिंग तो देखते हैं, हमें भरोसा भी है, हमारी एनर्जी भी रेजोनेट होती है, लेकिन कब आएगा कॉल या कब आएगा मैसेज या वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो उन्हीं लोगों को मेरा ये मैसेज है कि अगर ऐसी सिचुएशन है आपके साथ तो ये पता करना ज़रूरी है कि आर यू डीलिंग विद योर कार्मिक, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं और आप अभी तक उनका वेट कर रहे हैं, या आप किसी ऐसे पर्सन का वेट कर रहे हैं जो कि आपसे मूव ऑन हो चुकी है या हो चुका है, या उसके लाइफ में अब आपके लिए कोई प्लेस ही नहीं है। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट प्रेडिक्शन पर्सनल रीडिंग से ही ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि एक दो लोगों के मैंने मैसेज पढ़े थे, मैंने उनको रिप्लाई भी किया था, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग। तो यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो इसी तरह की हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे हिडन ज़रूर रखते हैं, आपसे खुल के बताते नहीं हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। और बहुत जल्द आप में से काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में एक्शन होने वाला है, स्पेशली वो लोग जो नो कॉन्टैक्ट में हैं उनको मैसेजेस ज़रूर रिसीव होने वाले हैं, और जो कॉन्टैक्ट में है उनकी तरफ कोई सॉलिड एक्शन यहाँ पर हो सकता है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशन है, रोमांस की एनर्जी है और प्लानिंग की एनर्जी है। सो ये करंट सिचुएशन है, और करंट सिचुएशन में थर्ड पार्टी से ज़्यादा एनर्जी आपको लेकर है। आपकी तरफ क्या करना है, आपको लेकर क्या करना है, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे कैसे लेकर जाना है, बर्डन से रिलीज़ कैसे होना है, इन बर्डन्स को क्लियर आउट कैसे करना है, इन सब पे वर्क चल रहा है। देखते हैं और क्या निकल कर आता है एनर्जीज़ में। गाइज एक बात और मैं आपको बोलूँ, मैं डेली बोल रही हूँ, कमेंट में कभी भी मैं नंबर नहीं देती हूँ, तो मेरी फ़ोटोज़ यूज़ करके जो लोग भी नंबर दे रहे हैं प्लीज़ आप लोग अवेयर रहें, और मेरा डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जब भी नंबर आएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में आएगा या मेरे वीडियो में आएगा। मैं नंबर कभी भी कमेंट सेक्शन में आ के नहीं देती हूँ कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जनरली मेरा नंबर मंडे को आता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्यों मंडे को आता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपको लेकर एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त, आपके पर्सन की क्या चल रहा है, आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर। एंजल ऑफ बैलेंस एंड जर्नी, इन्हें पता है कि आप एक एंजल हैं जिन्होंने इनकी लाइफ में बहुत 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 इनको अवेकन किया है, जैसे इन्होंने आपको किया है वैसे ही आपने इनको किया है। ये आपको एक एंजल की तरह देखते हैं या देखती हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ ये डेफिनेटली किसी न किसी जर्नी में है, और आप बहुत बैलेंस्ड हैं, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक्शन की एनर्जी है, मैंने अभी आपसे कहा सन की एनर्जी थी मैसेज के साथ, तो एक्शन की एनर्जी है। डोर टू वैल्यू अप्रिशिएशन एंड एंजल ऑफ बैलेंस, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड विद स्टॉर्म वार्निंग। यहाँ पर देखिए टावर मोमेंट आने वाला है या चल रहा है आपके पार्टनर्स के लाइफ में, एंडिंग हो रही है इनके लाइफ में उन साइकिल्स की जो साइकिल्स इनको सर्व नहीं कर रही हैं, और ये कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको लेकर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन है, ये देखिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको एक एंजल की तरह देखते हैं। आपने इनकी लाइफ में हमेशा इन्हें सपोर्ट किया है, हमेशा इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं, चाहे इनका सुख हो दुख हो जो भी माहौल हो इनके लाइफ में, पैसे बहुत ज़्यादा हो या पैसे बहुत कम हो, इमेज बहुत अच्छी हो या इमेज बहुत ख़राब हो, आपने इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है, और इसीलिए जज करके ये अब आपकी तरफ एक्शन लेने की सोच रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है गाइस, कंप्लीशन तक बहुत सारे लोग पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं बहुत जल्द। और यहाँ पर कंप्लीशन का नंबर है 29, 2+9 इज़ इक्वल्स टू 11, 11 इज़ अ मास्टर नंबर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, जो लकी वंस हैं जिनका रियूनियन आज के दिन हो जाता है या विद इन अ वीक हो जाता है, वो ज़रूर वीडियोज़ में कमेंट करें। कई लोग मुझे व्हाट्सएप पर आके कमेंट करते हैं कि मैम मेरा रियूनियन हो गया, तो व्हाट्सएप पे ना करें लेकिन
वीडियोस में आके कमेंट ज़रूर करें। अगर आपका रियूनियन हो जाता है, आपको मैसेजेस आ जाते हैं, तो मुझे 100-100 मैसेजेस आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैसेजेस मैं रीड नहीं कर पाती हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, अगर आपका रियूनियन हो जाता है, आपको मैसेजेस आते हैं, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि और लोगों को भी गाइडेंस मिलती है, राइट। सो और लोगों में भी पॉजिटिविटी आती है। सो देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है। आज मैंने वो डेक उठा लिया था, क्या ये डेक से कुछ बताना है मुझे एंजल्स? सडनली मैंने ये डेक उठाया और शफल किया, क्या कुछ बताना है मुझे? कोई मैसेज है? यस एंजल्स, आपको ये बताना चाहते थे कि आपके लाइफ में निर्णायक समय आ चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद जजमेंट, कर्मा बहुत तेज़ी से रिलीज़ होंगे, क्योंकि सैटर्न की जो एनर्जी है वो रिज़ल्ट बहुत आउट होने वाला है। बस बैलेंस शीट बन गई है, रिज़ल्ट आउट होने वाला है, सबका रिज़ल्ट बन चुका है। कितनों ने कितने नंबर पाए हैं, कितने नंबर पास के हैं, कितने नंबर फेल के हैं, वो सब कुछ बन चुका है, और जजमेंट यहाँ पर होने वाला है, कर्म का फल मिलने वाला है। अगर आप किसी कार्मिक के साथ हैं या आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ हैं, तो यहाँ पे जजमेंट होगा, रिलीज़ होगा, और यहाँ पर वो होगा जो डिवाइन चाहती है। तो ये मैसेज उस डेक से आना चाह रहा था, तो वो डेक मुझे अपनी तरफ खींच लिया, जबकि मुझे नेक्स्ट एक्शन लेना था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको एंजल्स देना चाहते थे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ। नेक्स्ट एक्शन, टू नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, 2 आवर्स 2 डेज, 2 आवर्स 2 डेज में कुछ बड़ा होने वाला है, स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर उनकी फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, वहाँ पर कुछ बड़ी या कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल सकती है जो शॉकिंग हो आपके लिए। जिनके जिनके पार्टनर की लाइफ में कुछ ऐसा होगा या आपको पता चलेगा, चाहे उनकी शादी से रिलेटेड, चाहे उनकी फैमिली से रिलेटेड, चाहे उनकी हेल्थ से रिलेटेड, चाहे उनकी वेल्थ से रिलेटेड, कुछ लॉसेस, कुछ सडन लॉसेस, सडन चेंज, सडन कर्मा रिलीज, कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं आने वाले 2 घंटे 2 दिन के अंदर। ये इम्पॉर्टेंट है, जिसके साथ भी होगा वो ज़रूर बताएगा। अगर आपके पार्टनर आपसे डिस्कस करते हैं तो भी, अगर आपसे डिस्कस नहीं करते हैं, आपको वाया वाया पता चलता है तो भी, बट यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, अगर आपके पार्टनर किसी अदर पर्सन के साथ मैरिड हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ में कुछ बवाल होने वाले हैं। अब ये बवाल किस तरह के होंगे ये तो डिपेंड करता है, बट यहाँ पर बवाल नज़र आ रहे हैं, जैसे किसी बात को लेकर झगड़े, किसी बात को लेकर बहस, इवन कोर्ट तक मसला जा सकता है। अगर ऑलरेडी कोर्ट में मसला चल रहा है तो रिज़ल्ट आ सकता है। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ट्रेडिशनली अलग हैं आपसे, आपकी कास्ट अलग है, उनकी कास्ट अलग है, या आप और उनके में कोई डिफरेंसेस है, तो ये पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर भी कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों आया है मूविंग ऑन? मूविंग ऑन को मूविंग ऑन ने क्लैरिफाई किया है, सेक्रीफाइस, कुछ सेक्रीफाइसेस करने वाले हैं ये, सरेंडर की एनर्जी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो लास्ट स्टेज होता है, मतलब जब होता है कि सहते 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 की स्टेज आती है, जब इंसान हार मान जाता है और वो कहता है प्रभु अब मैं आपकी शरण में हूँ, अब मैंने अपने पूरे जोड़ तोड़ एड़ी तोड़ मेहनत कर ली, अब मेरे लाइफ में मैं और नहीं सह सकती या नहीं सह सकता, तब ये सरेंडर स्टेज आती है। क्यों आया है फैमिली की एनर्जी? 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए? क्या चल रहा है? स्टैंड लेने की एनर्जी है, डेविल एनर्जी से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ये किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ हैं, कार्मिक के साथ हैं, तो ये स्टैंड लेंगे और दूर होंगे उस सिचुएशन से। शैडो साइड क्यों आया है? द मून क्यों आया है? न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, जो चीज़ें हिडन थी। मून क्या बताता है? मून मन का कारक है, मून इमोशंस को बताता है, तो
अपने इमोशंस को अगर आपसे हाइड कर रहे थे, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे थे, एक ही ढर्रे पे चले जा रहे थे कि हाँ मेरी जिम्मेदारियाँ, मेरा बर्डन, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा करियर, तो अब इन चीज़ों से अचानक से ये मोल्ड होंगे और एक कमिटमेंट, एक सॉलिड कमिटमेंट या एक एक्शन आपकी तरफ ये लेते हुए नज़र आ रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है? कैसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट? इनके विशेस को लेकर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, शादी को लेकर है मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो चाहते हैं वो करना है, जो चाहती हैं वो करना है। विजडम क्यों आया है? मैसेज, इनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि आप ही हैं जो इन्हें झेल सकती हैं या झेल सकते हैं, और किसी के बस के हैं नहीं ये। तो अब ये ज्ञान प्राप्ति के बाद ये आपकी तरफ आएंगे और आपका काम है इनको संभालना, जो कि आप बैठे हैं संभालने के लिए और आप बखूबी संभाल लेंगे। इमोशनल लॉस क्यों आया है? मेरे व्यूअर्स, जब मेरे जैसी, क्या कहते हैं उसको, बदमाश, और मैं बहुत नॉटी थी बचपन में, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, इवन अभी भी हूँ। जब आप मुझे संभाल सकते हैं तो पार्टनर तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। यहाँ पर आप में से कई लोग कमेंट में लिखते हैं कि मैम आप बीच बीच में जो बोलती हैं उसमें हम लोग को बहुत हंसी आती है। एक्चुअली मेरा नेचर ही ऐसा है, दुनिया में आए हैं तो हंसो, हर दिन हंसो, अच्छा है तो भी हंसो, बुरा है तो भी हंसो, क्योंकि हंसने से क्या होती है कि आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होती है। देखिए, अगर कोई आपको रुला रहा है और आप हंस रहे हैं तो वो रुलाने वाला घबरा जाएगा, क्योंकि आप पावरफुल हैं। हंसना एक पावर है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चाहे जितना भी दुख हो, क्योंकि दुख जब मिलता है और इंसान जब दुख में मुस्कुरा जाता है ना, तो उससे बहादुर शख्स धरती पर दूसरा नहीं होता। सो भगवान ने जितना भी दिया है उसे एक्सेप्ट कीजिए खुले हाथों से। इंसान खुले हाथों से आता है, खुले हाथों से जाता है, तो एक्सेप्ट कीजिए, चाहे अच्छा मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, सब आपका ही कर्म है, जो आपने इस जन्म में किए, जो आपने पिछले जन्म में किए। आप डिसाइड करके आते हैं इस धरती पर कि आपको क्या कर्म फेस करना है। तो आप जब आए हैं तो आप कर्मों को लीजिए, पकड़िए एज अ चैलेंज, उसे फेस कीजिए और रिलीज़ कीजिए, क्लींस कीजिए, झाड़ू मारिए। फिर अगर आपने कोई नया कर्म क्रिएट किया है तो उसको निभाइए, नहीं निभा पा रहे हैं क्लींस कीजिए। मतलब जो भी चीज़ें हैं नहीं निभा पा रहे, इन द सेंस कि आपने उन कर्मास को क्रिएट किया बट आपको रियलाइज़ हुआ ओ माय गॉड मैंने तो ये गलत कर दिया, उसे सफाई कीजिए। अगर कोई जाने अनजाने किसी का दिल दुखा है, जाने अनजाने किसी को गलत कहा है, जाने अनजाने आपने किसी के साथ बुरा कर दिया है, रियलाइज़ कीजिए, सॉरी बोलिए, क्लींस कीजिए। सो दिस इज़ कर्मा रिलीज़। अटैचमेंट में मत रहिए, कुछ नहीं है यहाँ पे आपका, इवन आपकी बॉडी भी आपकी नहीं है। सो जब आपकी खुद की बॉडी भी आपकी नहीं है सो कैसा अटैचमेंट? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो आप में से कुछ लोग हैं जो बोलते हैं मैम आप हंसती हैं और आप अच्छी लगती हैं हंसते हुए, तो यस, कोई भी इंसान जब हंसता है तो वो बहुत खूबसूरत लगता है, और हंसना सबसे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन रिलीज़ करता है। एक हंसना और एक लव, जो कि मेरा आप सबसे है अनकंडीशनल। सो आते हैं एंजल गाइडेंस पे, देखते हैं एंजल्स आज आपको क्या बताना चाहते हैं। आज जगह नहीं चेंज किए, कट्टी हो गई इनकी सबसे। अच्छा, मैंने इनके दोस्तों का फ्लोर चेंज कर दिया है इसीलिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आप में से कई लोग पूछते हैं कि मैम ये एंजल्स आपने कहाँ से ख़रीदे हैं? ये मैंने अमेज़न से लिया है। कई लोग मुझे व्हाट्सअप पे पूछते हैं, तो ये मैंने अमेज़न से लिया था। लकीली मुझे ये दिखा और मुझे इतना पसंद आया, क्योंकि जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी ना 2009 में, तो थोड़ा बहुत उस समय तो फ़ोन भी नहीं था, 12 में स्पेशली थोड़ा बहुत मुझे लगता था कि मेरे साथ कुछ पैरानॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, एबनॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, और मुझे ऐसा लगता था कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन मुझे सपने में ये बेबी एंजल्स आते थे, बेबी एंजल्स, हमेशा बेबी एंजल्स आते थे शुरुआत में, छोटे छोटे प्यारे प्यारे, छोटा छोटा पंख लेकर।
और मैं हमेशा उनको बचाया करती थी, हमेशा। जैसे वो किसी मुसीबत में हैं, उड़ते उड़ते गिर गए या कहीं किसी फ्लोर से गिर गए, और मैं उन्हें दौड़कर बचाती थी। तो ये मेरी परीक्षा होती थी कि क्या मैं एक सही इंसान हूँ, क्या मैं सपने में भी किसी के लिए मेहनत कर रही हूँ, क्या मैं बचा पा रही हूँ किसी को। ये मेरी परीक्षा थी, और जिस परीक्षा में पास हुई मैं, और मैं सपने में भी सबकी मदद करती थी, दौड़ दौड़ के बचाती थी उनको। और आज आप में से ऐसे कई लोग हैं जो मुझे ये कहते हैं कि मैम, आपने हमें जीना सिखाया है। एक स्टेज ऐसी थी जब हम इतने हद तक नीचे गिर गए थे कि हम सुसाइड तक का सोचते थे। और ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके मैसेजेस मुझे आते हैं कि मैम, आपने हमें जीना सिखाया है। तो शायद ये परीक्षा मेरी एंजल्स ही लेते थे कि क्या तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम लोगों को जीना सिखा सकती हो, क्या तुम मुझे बचा सकती हो। ऐसा एंजल सपने में आके ऐसी ही परीक्षा लेते हैं। हो सकता है आप सब की भी लेते हों। किसी न किसी रूप में माता लक्ष्मी भी मेरी परीक्षा लेती थी। कभी वो कीचड़ में फंसी होती थी, कभी वो किसी गंदे गोबर में फंसी होती थी, कभी बहुत गंदी गंदी जगह फंसी होती थी, और वो मुझे नहीं पता था कि वो माता लक्ष्मी है। बट वो एक खूब सुंदर सी लेडी थी, और पूरी गोल्ड से भरी हुई, और हमेशा हमेशा उनको जैसे कीचड़ में से निकालना, हाथ दे देना, अपनी जान की परवाह ना करना, इस तरह के ड्रीम्स आते थे। तो जब आप अवेकन होते हैं ना, तो भगवान आपकी हर तरीके से परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षा इसलिए लेते हैं कि सपने में इंसान अनकॉन्शियस होता है, और जब सपने में इंसान अनकॉन्शियस होता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए सपने में कई बार हम अपने पास्ट लाइफ्स में चले जाते हैं, हम किसी अननोन प्लेसेस पे चले जाते हैं, हम किसी ऐसे मंदिर या ऐसी जगह पे घूमते मिलते हैं, या ऐसे घर में मिलते हैं, या ऐसे परिवार के सदस्यों को मिलते हैं जिन्हें हमें फील होता है कि यार, ये हमारे अपने हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इस जन्म में हमारे साथ दूसरे रूप में होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। तो जब भगवान अवेकन करते हैं, जब भगवान आपको कोई जिम्मेदारियां देने वाले होते हैं, तो उसके पहले आपकी इस तरह से परीक्षाएं लेते हैं, और इन परीक्षाओं के थ्रू वो जज करते हैं कि क्या कोई इंसान सपने में भी किसी की मदद कर सकता है। अगर मैं उस वक्त ये सोचती कि नहीं, ये तो बड़ा गंदा है, मैं इसमें नहीं जाऊँगी, तो मैं उस परीक्षा में फ़ेल हो जाती। और सपने में किसी का बस नहीं होता, लेकिन हर बार मुझे याद है मैंने अपने सपने में कूद कूद के मदद की है। और मैंने हमेशा अपने व्यूवर्स को और अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स रहे हैं, उनको हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा लाइफ में आगे बढ़िए। कभी भी, एनी टाइम, डिवाइन से बढ़कर कुछ नहीं है। क्योंकि आप धरती पर आते हैं तो आपको ये बातें याद होती हैं कि मुझे ये करना है, मुझे डिवाइन को नहीं भूलना है। भगवान मंत्र फूंक के भेजते हैं बच्चों को, लेकिन जब इंसान बड़ा होता है तो वो कार्टून देखने लगता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो वो एडल्ट मूवीज़ देखने लगता है, वो बॉलीवुड हॉलीवुड देखने लगता है, और फिर वो भूल जाता है कि वो धरती पे आया क्यों था। तो धीरे धीरे करके आपको अवेकन किया जाता है, अगर आपके लाइफ में आपका कोई सोल पर्पस है तो। ठीक है, सो अगर आप इस तरह के सपने देखते हैं, सपनों में लोगों की मदद करते हैं, सपने में आप किसी को बचाते हैं, सपने में आप डेडिकेटेड हैं टूवर्ड्स सोशल वर्क, तो आप समझ जाएं कि भगवान का टेस्ट है, जिसमें पास होने के बाद आपको जो फल मिलेगा वो आप सोचे भी नहीं होंगे। आपकी वो साइकिक पावर्स, एबिलिटीज़ अनलॉक हो जाती है। ठीक है, तो इतना बड़ा लेक्चर मैंने आपको दे दिया, बट हो सकता है ये किसी एक व्यक्ति के भी काम आएगा, तो मेरा ये बोलना सार्थक होगा। सो चलिए देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। पैशन, सेकेंड कार्ड है सिक्योरिटी, थर्ड कार्ड है हमारे पास प्रोटेक्शन। सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, बड़ी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आ रहा है। नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं क्या आप में से कई सारे लोगों को? रीबर्थ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है डेडिकेशन एंड मैजिक। देखिए यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, या तो आपको या तो आपके पार्टनर को नेगेटिव अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब कुछ, मतलब वो एकदम जैसे होता है ना मरने के पहले की अवस्था। कई लोगों की डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो स्टेज होती है कि जैसे भगवान, इससे इजी तो मरना है, इतना दुख तो मैं नहीं सह सकता या नहीं सह सकती। कुछ लोग उस स्टेज से गुजर रहे हैं। यहाँ पर डिवाइन आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये रीबर्थ की स्टेज है। पैशन से रहिए, फेस कीजिए चैलेंजेस को, क्योंकि ये आपका लास्ट टेस्ट है।
इसके बाद आपको वो फल मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं या करती हैं, या आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। तो ये डेडिकेशन और ये मैजिक क्रिएट होने के पहले का लास्ट स्टेज है, ये आपके लिए आज की गाइडेंस है। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आप में से कई लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।